येस वी आर लाइव नाउ, दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत ही बेटर होंगे। आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जबरदस्त, मस्त होने वाला है। क्यों? क्योंकि सीटेट दिसंबर 2024 की हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं सीडीपी की। सीडीपी में एक मनोवैज्ञानिक रहते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उनका नाम क्या है? जीन प्याजे। जी हाँ, जीन प्याजे। सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम जीन प्याजे का सिद्धांत क्लास में फर्स्ट है। थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों देखेंगे। ये है जीन प्याजे मनोवैज्ञानिक। जीन प्याजे के बिना सीटेट मान्य नहीं है। जीन प्याजे के बिना सीटेट बनता ही नहीं है भाई। जीन प्याजे से क्वेश्चंस बिल्कुल ऑब्वियसली पूछे जाते हैं। अब कुछ इनके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वो मैं आपको अपनी भाषा में, एक सिंपल भाषा में, आपकी रियल लाइफ से जोड़ते हुए चीजों को कनेक्टेड करूंगी। देखो, ये कुछ शब्द दिए हुए हैं इन्होंने, इनके जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण शब्द हैं हम उनको समझेंगे और उनको जो है हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछा जाता है। न्याय निगमन किसका है, किसने दिया है? जीन प्याजे ने दिया है, लेकिन हमने पढ़ा नहीं है। अब हम वहाँ पर तुक्का लगा के आएंगे, वाइगोत्स्की का होगा, कोहलबर्ग का होगा, नहीं नहीं स्किनर का होगा। चलो, पता चला नहीं है तो जीन प्याजे जी का है। अब आप वहाँ पे गलत कर दिए, बोले एक एक क्या है, आपका आंसर गलत हो गया। अब देखो, फर्स्ट है यहाँ पर न्याय निगमन। अब हम न्याय निगमन की बात करते हैं, ये क्या है यहाँ पर न्याय निगमन? देखो, दिए गए कथनों से अप्रत्यक्ष निष्कर्ष निकालना। ध्यान दीजिए, मानो कि आपके रूम में, आपके कमरे में आपके एक क्या है, दोस्त है जिसका नाम है क्या, राम। आपके दोस्त है जो कि आपके बहुत ही बेहतरीन दोस्त है, जिस पर आप पूरा ट्रस्ट करते हैं, और आपने उसके पास में आपने बहुत बढ़िया एप्पल फ़ोन लिया हुआ है। क्या? एप्पल का फ़ोन आपने लिया हुआ है। एप्पल के फ़ोन को आप उसके पास में धर के चले गए, तो मानो कि राम के में भाई क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या भावनाएं जागृत हुई कि आपका फोन ही उन्होंने उठा लिया। लेकिन अप्रत्यक्ष निष्कर्ष निकालना, देखो आपके मन में ये भी चल रहा है कि हाँ भाई, उस टाइम पे राम ही मेरा फ्रेंड्स मेरे पास मौजूद था और तो कोई वहां पर नहीं था। अब मेरा फोन जो है किसने उठाया होगा? हाँ, जरूर राम ने, लेकिन हम उसके सामने नहीं बता पा रहे। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा उससे ये कर रहे हैं कि भाई ये मेरा इतना अच्छा दोस्त। देखो, अक्सर होता है कि अगर हमारे साथ में कोई हमारा अपना ही हमारे पीठ पीछे छुरा घोंपता है, तो भाई हमें जो है उसके सामने कहते हुए भी थोड़ा शर्म से फील होती है कि भाई क्या किया, क्या नहीं किया। हमारा इतना बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन इसने हमारे साथ यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इतना बड़ा पाप किया, बताओ। तो ये देखो, जब हम दिए गए कथनों से अप्रत्यक्ष निष्कर्ष निकालते हैं कि राम ने मेरा फोन उठा लिया क्योंकि कमरे में यही मौजूद था और कोई मेरे पास कमरे में मौजूद नहीं था और मेरी चीज़ वहाँ से गायब हुई, लेकिन हम बता नहीं पा रहे हैं, और हमें पता भी है किसने उठाया है लेकिन हम उसे बता नहीं पा रहे हैं, वो है अप्रत्यक्ष निष्कर्ष निकालना। फिर है संकल्पनात्मक तर्कना, किसी कथन को काल्पनिक रूप से सत्य मानकर तर्क करना। देखो, कोई कथन है काल्पनिक रूप से आपको मानना है और सत्य मानकर के उसे तर्क में करना है। मानो कि आपका इंटरव्यू चल रहा है, क्या आपका इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा कि अगर जो है यहाँ पर एक तालाब है या फिर एक नदी है, कुछ भी है, उसमें आपके मम्मी पापा भाई बहन चारों डूब गए, है ना, गिर गए, तो आप सबसे पहले किसे बचाएंगे? अपनी मम्मी को बचाएंगे, पापा को बचाएंगे, भाई को बचाएंगे, बहन को बचाएंगे? तो इस तरह का सवाल है। आपको सत्य मानकर तर्क भी करना है लेकिन काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक है भाई, ऐसा थोड़ा ही ना होगा। अब हम वहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, कहाँ डूबे वहाँ पर? हम तो इंटरव्यू में बैठे हैं, कहाँ डूबे हैं तालाब में? हम थोड़ा ही ना वहाँ मौजूद है। अगर हम वहाँ मौजूद होते तो हम इंटरव्यू क्यों देते? तो एक काल्पनिक चीज़ को मानते हुए तौर पर, जैसे IAS के इंटरव्यू होते हैं तो उसमें ऐसे ही लॉजिकल आपसे जो है क्वेश्चन पुटर के जाते हैं कि बताओ अगर वो होता क्या करते, ये होता क्या करते, लेकिन आप वहाँ पर थोड़ा ही ना है मौजूद, आप तो यहाँ पर बैठे हैं। तो भाई, तालाब में आपके मम्मी पापा अगर वहाँ पर गिरे भी तो आप तो यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको क्या पता आप किसे बचाएंगे, नहीं बचाएंगे, किसको बचाएंगे? तो जो हम कल्पना के आधार पर सत्य मानकर तर्क वितर्क करते हैं, यानी कि हमारा इंटरव्यू चल रहा है बस और हमें तर्क वितर्क करना है, सत्य मानना है, लेकिन सत्य नहीं है, सत्य मानकर चलना है, कल्पना के आधार पर ही होगा। अच्छा, वस्तु स्थायित्व क्या है? देखो, वस्तु भले ही आंखों से ओझल हो लेकिन उसका अस्तित्व बना रहता है। मानो कि आपके जो है घर पर क्या आया, कुत्ता आया, आपके घर पर क्या आया, कुत्ता आया, और भाई कुत्ता जैसे ही, देखो वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है बच्चा जो है जानता है, भले ही वो आपकी आंखों से ओझल हो जाए लेकिन उसका अस्तित्व बना रहता है। आपके घर पर कुत्ता आया, बच्चे को पता है क्या है, कुत्ता है, क्योंकि बच्चे के मम्मी पापा ने बताया कि बेटा देखो कुत्ता आया है, भले ही कुत्ता ओझल हो गया, कुत्ता क्या करता है, भौंकता करता है, भौंकता है। मानो कि बच्चा है घर पे है अपने और बाहर जो है कुत्ता भौंक रहा है, तो भौंकने की ही आवाज़ से बच्चा एकदम क्या बोलेगा, कुत्ता,
डॉग, क्या बोलेगा? कुत्ता, डॉग। क्यों? क्योंकि भले ही वस्तु उसके सामने न हो, उसकी आंखों से ओझल हो, लेकिन उसका अस्तित्व जो है बना है उसके दिमाग में। भौंकने से, आवाज से उसने फील कर लिया क्या है कुत्ता है, ये क्या है वस्तु स्थायित्व है। अपने मन में इतनी फास्ट तरीके से ये अपनी मानसिकता में बिठा लेते हैं जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दो दो तीन तीन साल के, कि वस्तु स्थायित्व ना बेटर होता है। कि अगर इसने कुत्ता देखा तो कुत्ता भौं भौं करता है, और अगर बाहर भौंक रहा है तो उसके मन में एकदम इमेज बन गई कि हाँ वो कुत्ता है, समझे। चलिए अब यहाँ पर देखो कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर यहाँ पर है जीववाद। पहले हम जीववाद को समझते हैं। बिल्कुल मैंने बेटर तरीके से समझा, बताइए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल ऑब्वियसली जीववाद से क्वेश्चन बनता है आपका, है ना, बनता है कि नहीं बनता है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आसपास की वस्तुएं एवं खिलौना आदि को बालक द्वारा जीवित समझने का भ्रम ही क्या है? जीववाद। देखो आपको पता भी है, मानो कि यहाँ पे जो है बालक खिलौने से खेल रहे हैं। अक्सर खिलौना अगर टूट गया और नीचे गिर के टूट गया, फूट गया, कुछ भी हो गया, तो बच्चे क्या बोलते हैं? हाय मेरा खिलौना टूट गया, ये मर गया, इसका हाथ टूट गया, मम्मी इसके हाथ को जुड़वाओ, इसे करो, इसको दर्द हो रहा होगा। ये अगर बाय द वे चेयर्स रखी हुई है, चेयर्स बालक के सामने गिर गई, तो बच्चा क्या बोलता है? मम्मी चेयर्स गिर गई, इसको चोट लग गई है ना, इसके दुख हो रहा है, इस तरह के वर्ड्स बोलते हैं, क्योंकि वो अभी निर्जीव और सजीव वस्तुओं में स्थायित्व नहीं कर पाया है। जीववाद सोचता है निर्जीव जो वस्तुएं होती है उन्हें भी ये सोचता है कि हमारी तरह इनको भी दर्द पीड़ा होती है, कि जैसे मैं गिरा ना अगर तो मेरे दर्द होगा, दुखद होगा, दुखद पीड़ा होगी। ऐसे ही वो ये सोचता है कि भाई जैसे मैं गिरता हूँ मुझे दुख होता है, ऐसे ही ये चेयर गिरी यहाँ पर, ये गुड़िया टूटी तो उसको भी दुख हो रहा होगा, है ना। इस तरह की फील जब हम करते हैं वो जीववाद कहलाता है। अच्छा, मानसिक निरूपण क्या है? वस्तुओं के ना होते हुए भी उसकी आकृति बना लेना। वही बिल्कुल जो हमने वस्तु स्थायित्व के बारे में समझा था, सेम सेम वही है कि अगर यहाँ पे जो है आपके सामने वस्तु न भी हो लेकिन फिर भी उसके जो है मन में आकृति उसकी बन जाती है। वही कि हमने डॉग के बारे में जाना और जैसे ही कुत्ते ने भौं भौं किया तो हमारे मन में कुत्ते की आकृति बन गई कि हाँ ये क्या है, कुत्ता है। तो ये क्या है, मानसिक निरूपण कहलाता है। फिर है परावर्ती क्रिया। बालक द्वारा किसी क्रिया को सीख लेने के बाद उसे दोहराकर बार बार खुश होना, परावर्ती क्रिया। देखो बालक द्वारा किसी क्रिया को सीख लेने के बाद उसे दोहराकर बार बार खुश होना परावर्ती क्रिया क्या कहलाती है? अक्सर आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं ना, दो या तीन साल के, अक्सर दो या तीन के मिडल के बीच में जो होते हैं बालक, यहाँ पर एक दो साल के बीच में, तो छोटे छोटे बालक उसके पास में 1000 चीज डाल दो, 2000 चीज डाल दो, 3000 चीज डाल दो, कितनी भी चीज डाल दो, कितना भी बच्चा छका हुआ है, मम्मी ने भरपूर दूध से छकाया हुआ है, खाना वाना सब कुछ खिलाया है, लेकिन फिर भी आदत नहीं जाती, कितनी भी चीज़ डाल दो मुंह में डालेगा ही सारी चीज़। यहाँ पे पेन हो, ईंट हो, पेन हो, पत्थर हो, या फिर कुछ भी हो, कुछ भी वस्तु है, सभी चीज़ को उठाएगा मुंह में डालेगा, सभी चीज़ को उठाएगा मुंह में डालेगा। क्या है? प्रावर्ती क्रिया है। बार बार जब एक ही चीज़ को दोहराता है, आप उसके सामने 1000 चीज़ डाल दो, 2000 चीज़ डाल दो, आप ये कह दो कि आपको ये नहीं उठाना, पिटाई करूँगी, वो करूँगी, भाड़ में जाए तुम्हारी पिटाई, भाड़ में जाए तुम्हारी पिटाई, कौन हो तुम पिटाई करने वाले, कैसे पता है, उठाएगा ये तो सामान, जाओ तुम थोड़ा इधर को जाओ। और बार बार जब जो है किसी क्रिया को सीख लेने के बाद में उसे दोहराकर बार बार खुश होता है तो वही है। मानो कि मम्मी काम कर रही है, बढ़िया, मम्मी सोच रही है मेरा बेटा तो सो रहा है, खेल रहा है, मैं काम में लगी रहूँ, अपना करती रहूँ अपना घर का काम, भाई है ना बच्चे क्या, अच्छा अच्छा हाँ बहुत ज़्यादा होशियार हो, बच्चे को पता है मम्मा मेरे पास भले ही ना हो लेकिन घर में आसपास जरूर है, चिल्लाएगा रोएगा और अपनी जो है यहाँ पे क्या रोने की बस अपनी जो है पीपनी स्टार्ट करेगा और हैं शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि पता है मम्मी आएगी और उसे पता भी कि घर पर ही है मम्मी मेरी, मेरे घर पर यहीं पर है, मेरे आसपास में, जैसे ही रोना स्टार्ट करता है तुरंत आप उसके पास में हाजिर हो जाते हैं। तो बालक बालक बहुत बुद्धि क्षमता वाले होते हैं भाई, समझे। तो ये है सारे ये वर्ड्स मैं आपको अपनी जो है माइंड्स के थ्रू समझा रही हूँ जिससे कि आपको समझ आए। चलो आगे देखो यहाँ पर नेक्स्ट है, इनका एक वर्ड से अविलोमिता या फिर अनुकर्मणशीलता। बालक द्वारा किसी बिंदु की शुरुआत से आगे निकल जाने पर पुनः शुरुआत पर न जाना। अब देखो अविलोमिता क्या होता है, मानो कि हमने बच्चे को सिखाया टी, हमने बच्चे को सिखाया टी, हमने बच्चे को टी तो सिखा दिया, अगर हमने टी का वह बना दिया, अगर हमने टी का वह बना दिया तो बच्चा इस टी को भूल गया, टी जो आकृति है उसे भूल गया, अब बच्चा क्या याद रखेगा, वह याद रखेगा। देखो अविलोमिता या फिर अनुकर्मणशीलता, ये जीन प्याजे का ये एक ऐसा
वर्ड है, ये जो है आपका क्या होता है, अगर बालक, अगर हमने बालक को एक यहाँ पे कुछ भी पॉइंट समझाया और अगर उसी पॉइंट्स को हमने दूसरा पॉइंट्स बना दिया, फिर और कुछ बना दिया, तो बच्चा पहले बिंदु को, शुरुआती बिंदु को भूल जाएगा। शुरुआती बिंदु को भूल करके आगे निकल जाने पर पुनः शुरुआत पर नहीं जा पाना। आपने पहले से टी बताया था, है ना, तो टी आपने बताया था, चलो पता है, लेकिन टी का जैसे ही आपने वह बता दिया तो टी भूल गया। आपने वह बताया और वह का जैसे ही आपने कै बना दिया तो बच्चा टी भी भूल गया, वह भी भूल गया। अब बच्चे को आपका क्या याद है, समझे? ये होता है अविलोमता या अनुकर्मणशीलता। बताइए इतनी बात समझ आया कि नहीं आया। चलो नेक्स्ट से है संरक्षण का अभाव। संरक्षण का अभाव, शुरुआती आकृति में बदलाव करने में बालक द्वारा शुरुआती आकृति को भूल जाना संरक्षण का अभाव है, जबकि याद रखना क्या है, संरक्षण है। संरक्षण का अभाव, वही शुरुआती आकृति में, देखो यहाँ पर तो बिंदु की बात हुई थी लिखने की, यहाँ पर आकृति की, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बाकी डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। संरक्षण का अभाव में आकृति होगा, आकृति को जब आप भूल जाते हैं, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बिंदु की शुरुआत जाने से भूल रहे हैं, तो यहाँ पर आकृति है। क्या है यहाँ पर, आकृति है। मानो कि हमने यहाँ पर क्या बनाया, यहाँ पर हमने क्या बनाया, मग्घा बनाया। हमने यहाँ पर क्या बनाया, मग्घा बनाया, इस तरह से बना दे, चलो हमने, ठीक है, मग्घा सा बना दे, गिलास सा। सो ये मग्घा हमने पहले बनाया, फिर हमने इस पे ऐसे डंडी लगा दी, क्या बन गया, जग बन गया। तो बालक इस मग्घे को भूल गया, अब जग आपने बना दे तो जग उसे याद हो गया। मानो कि हमने ये ऐसे बूंद सी बना दी, है ना, ऐसे हमने बूंद सी बना दी, जल की बूंद सी की तरह हमने ऐसे बना दी, तो हमने कहा कि ये जल की बूंद है, ठीक है भाई, जल की बूंद है, मुझे याद है। लेकिन हमने जल की बूंद को ही ऐसे कमल का फूल, कमल की आकृति हमने ऐसे दे दी, ऐसे हमने ऐसे कमल की आकृति दे दी। तो जैसे ही हमने जल की बूंद को कमल की आकृति दे दी, तो बच्चा क्या है, जल की बूंद को भूल गया, कमल की आकृति उसे याद हो गई। ये होता है संरक्षण का अभाव। क्या होता है, संरक्षण का अभाव वही होता है जब आप हमें एक आकृति बताते हैं, एक आकृति से अगर आप हमें दूसरी आकृति बना के दिखाते हैं, तो हम शुरुआती बिंदु की आकृति को भूल जाते हैं और दूसरी आकृति हमें याद रहती है, समझे? जबकि यहाँ पर कहा संरक्षण, जबकि याद रखना संरक्षण है। देखो अगर हमने पहले ये बनाया था यहाँ पर ग्लास, फिर ग्लास से हमने ये बना दिया ऐसे, फिर हमने यहाँ पर इसे ऐसे जग बना दिया। अगर बच्चे को ग्लास भी याद है, मक्का भी याद है, जग भी याद है, बारिश की बूंद की आकृति भी याद है, कमल की आकृति भी याद है, वो होगा संरक्षण। यानी कि बच्चे को सारी चीज़ याद है, तो वो क्या होगा, संरक्षण होगा। और अगर याद नहीं है शुरुआती बिंदु, तो संरक्षण का अभाव होगा। बताओ समझ आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया। आगे नेक्स्ट है केंद्रीकरण। क्या है केंद्रीकरण, बिल्कुल ये वर्ड्स आते हैं इनके, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं बनते मेरा, आप जो है मुझे ये बोल देना कि मैम आप क्या पढ़ा रहे हो क्या नहीं पढ़ा रहे हो, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनता। बताओ संरक्षण का अभाव यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है सीटेट में, बताइए केंद्रीकरण से सीटेट में क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। अगर पढ़ोगे ध्यान से कंसेप्ट भी, तो सारी चीज़ें ऐसे 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 बिल्कुल बढ़िया एकदम होंगे। तो केंद्रीकरण क्या होता है, किसी घटना या वस्तु की एक ही पक्ष तक सीमित रहना केंद्रीकरण, कई पक्षों पर फोकस रहना विकेंद्रीकरण। देखो केंद्रीकरण पूछा है, केंद्रीकरण का क्या मतलब होता है। मानो कि बालक अपने घर पे बैठा हुआ है और भाई घर पे जो है गेट खुला हुआ है, मम्मी काम कर रही है, पहले क्या आया, डॉग आया, फिर क्या आई, बिल्ली आई, फिर यहाँ पर जो है चूहा भी आ गया, और भी बहुत सारे जो है आपके पशु पक्षी आ गए घर में, बकरी सारी चीज़ें आ गई, है ना। तो बच्चे ने क्या देखा, पहले कुत्ता देखा, डॉग आया सबसे, तो बच्चे का बस जो दिमाग है ना कुत्ते पर ही फोकस करेगा, वो ये नहीं देख रहा कि बिल्ली भी आ गई यहाँ पर, और यहाँ पे कौवा भी आ गया हमारे घर पे, तो भाई यहाँ पे चूहा भी आ गया हमारे घर पे, तो गोट बकरी भी आ गई, उन पर ध्यान नहीं है। पहले क्या आया कुत्ता। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर पाना, अब चाहे बिल्ली आए, चाहे भाई यहाँ पे बकरी आए, चाहे यहाँ पर चूहा है, भाड़ में जाए, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो सिर्फ और सिर्फ कुत्ता दिख रहा है, बस कुत्ते कोई पहचानते हैं। तो केंद्रीकरण वही होता है जब हम एक ही चीज पर फोकस कर पाते हैं, जब हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर पाते हैं, वो कहलाता है केंद्रीकरण। और यहीं पर इसका उल्टा कर दो, अपोजिट विकेंद्रीकरण क्या होता है, बिल्कुल बताऊंगी, टेंशन मत लेना। विकेंद्रीकरण आपका होता है कि अगर हमारे घर पर कुत्ता भी आया, बिल्ली भी आया, चूहा भी आया, बकरी भी आई, कुछ भी आया हो, जब हम एक साथ में सारी चीज़ों पर फोकस करते हैं कि देखो बिल्ली आ गई, मम्मी मम्मी देखो बिल्ली आ गई, दूध को ढक दो,
सॉरी रसोई बंद कर दो, ये वगैरह, देखो मम्मी कुत्ता आ गया, देखो जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ देखो चूहा भी आ गया, और देखो बकरी भी हमारे घर पर आ गई। जब हम एक ही टाइम पर सारी चीज़ों पर फोकस कर पा रहे हैं तो वो होगा विकेंद्रीकरण। और यहीं पर जब हम सिर्फ और सिर्फ भाड़ में जाए, कुछ भी आए हमें कोई मतलब नहीं, कुछ भी आए कर दो घर को तहस नहस, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो बस कुत्ता ही नजर आ रहा है। क्या हमें तो सिर्फ एक ही चीज दिख रही है, वो है कुत्ता, तो वो है केंद्रीकरण। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। तो भाई देखो मैंने वहीं पर आपको केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों की जो है मैंने आपको समझा दी डेफिनेशन। अब यहां पर है आत्मकेंद्रिता, यहां पर एक वर्ड से आत्मकेंद्रिता। अब ये आत्मकेंद्रिता क्या होता है, देखो आत्मकेंद्रिता स्वभाव से स्वार्थी बच्चा सिर्फ अपने ही दृष्टिकोण को समझता है। आत्मकेंद्रिता किसे कहते हैं बताइए, आत्मकेंद्रिता जीन प्याजे का वर्ड्स है कि नहीं बताइए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है, ऑब्वियसली क्वेश्चन बनता है। आत्मकेंद्रिता मानो कि हमारे पापा है और हम अपने पापा की उंगली पकड़ के जा रहे हैं, हमें रास्ते में दिखाई दिया कुल्फी वाला दिखाई दिया, या फिर हमें यहाँ पे जो है बढ़िया चाट वाट वाला दिखाई दिया, तो हम पापा के क्या है सिर हो गए, बिल्कुल सिर हो गए, पापा नहीं नहीं पापा नहीं 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 मुझे तो टॉफी कुल्फी चाहिए, नहीं पापा मुझे तो ये समोसा चाहिए, नहीं पापा मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये कोल्ड ड्रिंक चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। पापा ने देखा भाई जेब में पैसे भी नहीं है, पापा ने देखा जेब में पैसे भी नहीं है, फिर भी बच्चा तो सिर होए जा रहा है। जब स्वार्थी बच्चा होता है स्वभाव से स्वार्थी, अब वो छोटा बच्चा है उसे कोई लेना देना नहीं, तुम भाड़ में जाओ तुम्हारे पास पैसा है नहीं है, वो इतना परिपक्व नहीं हुआ कि अपने पेरेंट्स के पैसे वैसे पर ध्यान देगा, नहीं उसे तो अपने से मतलब है। जब बच्चा स्वार्थी स्वभाव से स्वार्थी होता है ना, सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, वो क्या है आत्मकेंद्रिता। बस मेरा मन तो कह रहा है मुझे कुल्फी खाना है, पापा ने जेब में हाथ डाल के देखा पैसे नहीं है, बच्चे ने रट लगाई हुई पापा कुल्फी दिलाओ पापा जल्दी दिलाओ, वरना रोना शुरू कर देगा। जब स्वार्थी बच्चा होता है वो क्या होता है आत्मकेंद्रिता होता है। चलो नेक्स्ट है गणितीय संक्रिया, क्या होता है इसमें देखो, वही प्लस माइनस और प्लस माइनस भाग गुणे, जब हम इन सब को जान लेते हैं, इन सब की संक्रिया हमारे माइंड में फिक्स रहती है, हाँ कि प्लस कैसे करते हैं और माइनस कैसे करते हैं और जो है भाग कैसे करते हैं, जोड़ कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, जब इनकी संक्रिया हमारे माइंड में फिक्स हो जाती है हम इसे कर पाते हैं, वही गणितीय संक्रिया है। वर्गीकरण, समानता एवं वस्तुओं के आधार पर वस्तुओं को अलग अलग समूह में रखना। देखो वर्गीकरण है क्या है, अब देखो मैं पढ़ाने के लिए आऊँगी, सो पहले पढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगी, मैंने ताला लगाया हुआ अगर गेट पर, तो पहले तो मैं चाबी से ताला खोलूँगी, ताला ओपन करूँगी, ताला ओपन करने के बाद मैं कुंडी खोलूँगी, कुंडी खोल करके फिर कमरे को जब मैंने गेट ओपन किया फिर मैं स्विच ओपन करूँगी। बताइए क्या मैं बाहर से ही स्विच ओपन कर दूँगी यहाँ पर बोर्ड का, कि मैं पढ़ा रही हूँ बाहर से ही मैंने बोर्ड ओपन कर दिया और बस मैं बाहर से ही पढ़ा रही हूँ, यहीं से मेरा हाथ गया अंदर, नहीं ना। तो जब चीज़ हम वर्ग के थ्रू करते हैं वर्गीकरण की, कैसे भाई अब देखो मैं नीचे से आऊँगी है ना, और यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगी तो मुझे पहले अपना रूम ओपन करना होगा, फिर मुझे स्विच ऑन करना होगा, लाइट वाइट्स ऑन करनी होगी, फिर बोर्ड ऑन करना होगा, फिर मैं यहाँ पे कैमरा वैमरा सेट करूंगी, फिर तब जाकर के मैं आपको बोर्ड पर पढ़ाऊंगी। वो होता है वर्गीकरण, जब हम किसी कार्य को बेस टू बेस और सही कर्म के थ्रू करते हैं वही वर्गीकरण कहलाता है, और वो भी वस्तुओं के आधार पर। कार्यकरण संबंधी क्या होता है, यह बालक में तार्किक चिंतन की शुरुआत है। देखो कार्यकरण संबंधी, मानो कि आपकी मम्मा कपड़े धुल रही है, तो कपड़े कैसे धुल रहे हैं, साबुन के झाग से, कपड़े कैसे साफ हो रहे हैं पानी से, कैसे धुल रही मम्मी, कार्य कर रही है हाथों से, ऐसे 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 कार्य कर रही, पोछा लगा रही, कार्य कर रही, आपके जो यहाँ पे क्या है घर है कमरा है नीचे की जो धरती है कैसे साफ कर रही है पानी से, उसमें उन्होंने फिनाइल विनाइल जो भी डाला हुआ है कपड़े से ऐसे पोछा लगा रही हाथ से आपको आपके फर्श को साफ कर, तो क्या करिए कार्य रही है, रोटी बना रही है, आटा कूट रही है, क्या करे कार्य करे, जब हम कार्य करते हैं तो वो कार्य कारण संबंधी कहलाता है, समझे। नेक्स्ट बेहतरीन है जबरदस्त, भाई ये सारे जो मैं आपको वर्ड्स पढ़ा रही हूँ ना अगर आपने ध्यान रख लेना तो बिल्कुल भी आप एक भी क्वेश्चन जीन प्याजे से रिलेटेड नहीं छोड़ कर आओगे, समझे। सूचकता क्या होता है, इसे प्रतीकात्मक चिंतन या सूचकता भी कहा जाता है, जिसमें चिन्ह और संकेत का ज्ञान क्या हो शामिल हो। देखो
सूचक, ये भी सेम वही है, इसे प्रतीक आत्मचिंतन या सूचकता भी कहा जाता है, इसमें चिन्ह और क्या संकेत का ज्ञान क्या हो शामिल हो। वही जो मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, मानो आपके पापा क्या है, गवर्नमेंट टीचर है, या फिर गवर्नमेंट किसी भी जो है बेस पर गवर्नमेंट है, बस समझो, ठीक है, गवर्नमेंट है, फिर प्राइवेट है, कुछ भी है, ये नहीं कह सकते, कोई मजदूर है, कुछ भी है। तो आपके पापा का डेली टाइम है कि आपके पापा जो है दोपहर के टाइम में 2 बजे घर आते हैं, डेली टाइम है आपके पापा का। कैसे आते हैं, बाइक से जाते हैं, कार से जाते हैं, तो जैसे ही घर पे आते हैं तो आपकी जो है वहाँ पे क्या रिंग बजाते हैं आपके जो है गेट के, या फिर अपने उसकी बाइक या कार जो भी है, कि हाँ उससे ये संदेश हो जाता है कि हाँ उसके पापा आ गए। तो बच्चे के दिमाग में जब ये सूचक चिन्ह उत्पन्न हो जाता है कि हाँ अब तो मेरे पापा आए हैं, हाँ देखो गेट की जो है इस टाइम पे रिंग जो है ओपन हुई है, बजी है टन टन टन, और यहाँ पर अभी जो है बाइक की आवाज़ आई मुझे, फिर कार जो भी है उसकी अभी घंटी वंटी जो भी है सुनाई दी मुझे, यानी कि मेरे पापा जी आ गए, क्या मेरे पापा जी आ गए, पापा जी आ गए मेरे, क्या आ गए मेरे पापा जी। वहीं पावलो वाला, अगर हम पावलो वाला सिद्धांत यहाँ पर यूज़ करें कि अगर हम कुत्ते को रोटी देते हैं घंटी बजा कर, कुत्ते को पता है कि इस टाइम मुझे घंटी बजा कर रोटी मिलती है, भले ही हम रोटी नहीं लेकर आए, हमने घंटी जाए, कुत्ते के मुंह में राल आ गए, क्यों, क्योंकि उसे पता है कि घंटी बजते ही मेरे पास में रोटी आती है, ऐसे उसे पता है कि इस टाइम घंटी बजती है तो मेरे पापा आते हैं बाहर से, समझे। चलो स्कीम्स क्या, देखो एक वर्ड होता है स्कीम्स, एक वर्ड होता है स्कीमा, स्कीम्स वर्ड भी समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बेहतरीन है। किसी कार्य को करने का सही पैटर्न ही क्या है, स्कीमा है, क्या है, किसी कार्य को करने का सही पैटर्न। अब देखो बच्चा स्कूल जाएगा, अब बच्चे स्कूल जाने से पहले ही मम्मा उसको नहलाएगी, नहला करके उसको कपड़े वपड़े पहनाएगी, ऊपर पहनाएगी, नीचे पैंट वेंट जो भी है ये पहनाएगी अपने बच्चे को, है ना, बाल वाल पर तेल लगाएगी, है ना, और फिर स्कूल जब जाएगा तो बैग को सही ढंग से वो जो है अपने कंधे पर टांगेगा इस तरह से, और फिर जो है वो स्कूल्स की तरफ आगे को बढ़ेगा चलेगा। तो क्या है स्कीम्स, क्या है, जब हम किसी कार्य को सही ढंग से करते हैं, अब हम रोटी बना रहे हैं तो पहले हम आटा लेंगे, देखो पहले तो क्या भाई खेती में गेहूं उत्पन्न होंगे, फिर वो गेहूं हम साफ करेंगे, फिर साफ करके झाड़ पर छोड़ के उड़े, फिर हम वहां पे पिसना विसना देंगे धुल धुल के, फिर यहां पर वो आटा बन के आएगा, फिर उस आटे को हम प्रेत में डालेंगे, फिर उसकी हम अच्छे से गूंथेंगे, फिर तब जाके रोटी बनाएंगे, तब जाके खाएंगे हम, देखो कितनी प्रक्रिया करनी होती है। वही होता है स्कीम्स, जब हम किसी कार्य को ढंग पूर्वक करते हैं वो होता है स्कीम्स। फिर स्कीमा क्या है, स्कीमा प्रारूप स्कीमेटा, इसको हम स्कीमा भी कहते हैं, प्रारूप भी कहते हैं, स्कीमेटा भी। स्कीमा को उन छोटे छोटे खंडों में जो है परिभाषित किया जा सकता है, मानो कि आप जो है यहाँ पर, हाँ देखो हमारे जो है बोर्ड में क्या है, 3-4 फोल्डर है, मानो कि हमने 3-4 फोल्डर बनाए हुए हैं। एक फोल्डर तो है हमारा PDF का, किसका है, PDF का, एक फोल्डर मेरा GDP का है, एक फोल्डर मेरा हिंदी का है, तो इसमें मैंने PDF बनाई हुई है, ये इसमें सारा जो डाटा है GDP का है, इसमें सारा डाटा हिंदी का है। ऐसे ही जब हम अपने दिमाग में छोटे छोटे फोल्डर क्रिएट करते हैं, मानो कि मैंने ये फोल्डर बनाया है कि मुझे कब कौन से कपड़े पहनने हैं, ठीक है, समझे आप, ये मैंने फोल्डर बनाया है कहाँ पर पशुओं का रखना है, पशु जैसे गाय भैंस जो भी हैं, कहाँ पर जानवरों का रखना है। तो जब हम इस तरह से अपने माइंड में फोल्डर बनाते हैं और उन चीज़ों को छोटे छोटे याद करते हैं, वो क्या होता है, स्कीमा या फिर प्रारूप या फिर स्कीमेटा कहलाता है। आई होप समझ आ गया होगा आपको। चलो अब कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट और है, बस थोड़े से, ये देखो ये वर्ड्स बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं आपको करा रही हूँ। यहाँ पर देखो अनुकूलन क्या होता है, नई जानकारी के मिलने से उत्पन्न हुए विरोध पर काबू पाकर वापस संतुलन पर पहुंचने की प्रक्रिया अनुकूलन। देखो नई जानकारी के मिलने से उत्पन्न हुए विरोध पर काबू पाकर वापस संतुलन पर पहुंचना, जैसे मैंने बताया वही कि मैंने आपको पहले टी समझाया, अब मैंने टी का वह बना दिया, लेकिन आप नई जानकारी आपने सीखी है, टी से नई जानकारी आपने वह सीखा, वह से मैंने कैब बना दिया, लेकिन पुनः आप फिर टी पर चले गए कि हाँ मुझे टी भी बताया था, मुझे वह भी बताया था, तो यही है क्या अनुकूलन, जब आप कर पाते हैं। अच्छा जो ये अनुकूलन है इसके दो भाग हैं, एक तो भाग इसका समावेशन है, एक है समायोजन। बताइए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है, बिल्कुल ऑब्वियसली बनता है। एक है समावेशन है और इसे हम आत्मीकरण भी कहते हैं, सम्मिलन भी। देखो समावेशन क्या है, बालक द्वारा बिना अंतर के नई जानकारी को पुरानी जानकारी में शामिल करना। देखो बालक द्वारा बिना अंतर के नई जानकारी को पुरानी जानकारी में क्या करना शामिल, जैसे कि वही स्कीमा में इसने फोल्डर बनाया था कि ये फोल्डर मेरा पशुओं का है, यहाँ पर इसने गाय को रखा
रखा, अब भैंस आ गई, अब क्या आ गई, भैंस आ गई, तो भैंस को भी इसने गाय के फोल्डर में रख दिया। तो अब ये थोड़ा गाय को बोल गया, उसमें थोड़ा ये हो गया, अब इसने भैंस को समझना थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे जो है ऑब्जर्वेशन किया उसके थ्रू। ये होता है समावेशन। फिर ये समायोजना। समावेशन में स्कीमा में भेजी गई जानकारी में विरोध उत्पन्न होने पर जानकारियों को नए तरीके से अंतर करना या संशोधन करना। वही बात जैसे ये फोल्डर है पशु का, सेम है बिल्कुल, जैसे ये फोल्डर पशु का है, मैंने याद किया हुआ स्कीमा में अपने, और इसमें मैंने गाय को रखा, फिर यहाँ पर मैंने भैंस को रखा, फिर यहाँ पर मैंने किसी एक और पशु को रख दिया। तो इसमें जब हम थोड़ा डिफरेंस हो जाते हैं, थोड़ा अंतर नहीं कर पाते या फिर थोड़ा कन्फ्यूज होने लगते हैं, और फिर कन्फ्यूज होकर फिर हम उसमें अंतर करते हैं या फिर संशोधन करते हैं, वो आपका समायोजन। भाई अपन ने दिमाग में आप समायोजित कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ और सिर्फ मैं गाय के बारे में ही जानती थी यहाँ पर, लेकिन अब मुझे भैंस के बारे में पता चला, अब मुझे उसके बारे में भी जानना होगा, फिर मुझे किसी और पशु के बारे में पता चलेगा तो मुझे वो भी जानना होगा। जब हम नई नई चीज़ को स्टोर करते रहते हैं वो समायोजन होता है। नेक्स्ट बढ़े संगठन, बेहतरीन है। नेक्स्ट है संगठन। संगठन क्या है? किसी भी जानकारी को स्कीमा में भेजने से पहले बालक उस जानकारी को अपने हिसाब से व्यवस्थित करता है। देखो, किसी भी जानकारी को स्कीमा में भेजने से पहले बालक उस जानकारी को अपने हिसाब से व्यवस्थित करता है। मानो कि बालक ने एक फोल्डर बनाया हुआ है ना, बालक ने एक फोल्डर बनाया अपनी पढ़ाई का, उसका क्या है, फोल्डर है कि मुझे कब किस टाइम क्या पढ़ना है, यहाँ पर जो है मुझे हिंदी पढ़नी है या फिर कुछ भी है, यहाँ पर मुझे इंग्लिश पढ़नी है, लेकिन अब यहाँ पर एक जो है एक और सब्जेक्ट आ गया मैथ्स, मैथ्स भी पढ़ना है। तो बालक किसी भी जानकारी को स्कीमा में भेजने से पहले बालक उस जानकारी को अपने हिसाब से व्यवस्थित, अब बालक इस मैथ्स को कहाँ पे रखेगा, हिंदी की जगह रखेगा, इंग्लिश की जगह रखेगा, कहाँ पे किस जगह स्टोर करेगा, फिर ये अपने माइंड से जो है यहाँ पर फिक्स करता है कि किसी भी जानकारी को स्कीमा में भेजने से पहले, कि मुझे फोल्डर में भेजने से पहले उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि मैंने तो फोल्डर में भाई हिंदी को और इंग्लिश को रखा हुआ है, अब मैथ्स को है मुझे जो है समझना है, पहले हम मैथ्स को समझेंगे, इसकी पूरी जानकारी लेंगे, फिर से मैथ्स को अपने एक फोल्डर में फिल्ड करूंगी यहां पर या फिर करूंगा, समझे। ये होता है संगठन। तो बताइए ये यहां पर जीन प्याजे के कुछ इंपोर्टेंट क्या थे, जीन प्याजे के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, बताइए जो वर्ड्स मैंने आपको बताए एग्जाम में आते हैं कि नहीं आते हैं। बिल्कुल एग्जाम में आते हैं सीटेट के, और ये स्टेटमेंट के थ्रू भी आते हैं, और अगर आपने ये इनके सारे शब्द पढ़ लिए तो मानो कि आपका उद्धार 50% हो चुका है। अच्छा भाई, इसकी एक और क्लास आएगी, इसकी जो है एक और क्लास आएगी, इसकी एक और क्लास आएगी आपकी सेकंड क्लास, और सेकंड क्लास में हम करने वाले हैं इनकी जो चार अवस्था है यहाँ पे, जैसे कि आपकी संवेदी पूर्व संज्ञात्मक अवस्था है, संवेदी संज्ञात्मक अवस्था है, और मूर्त संज्ञात्मक अवस्था है, अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था है। तो जिस भी फ्रेंड्स को ये फर्स्ट क्लास अच्छी लगी, सेकंड क्लास अगर आपको देखनी है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो कितना बेहतरीन मैंने आपको ये समझाया, सो बिल्कुल ऐसे ही बैक टू बैक मैं आपको समझाऊंगी। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो बस आप हमें ये बताइए समझ आया कि नहीं आया जो हमने आपको ये सारे चीज़ें पढ़ाई यहाँ पर। तो ये फर्स्ट क्लास थी जीन प्याजे के सिद्धांत की, कल हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक बहुत ही बेहतरीन सा सेशन। तो चलो फिर अब हम यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हैं, और भाई अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर।